So, hello everyone, welcome back to my channel, The Explorers. Hope you all are doing great. तो यूजुअली हम साइकोलॉजी के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं बट देयर वर सो मेनी पीपल आस्किंग टू मेक वीडियोस ऑन टॉपिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस तो मैंने डिसाइड किया कि हम पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कशन करें सो आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कॉमेंट एंड शेयर माई वीडियोस स्क्रीन पर देख के पता लगा ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है कोल्ड वॉर एरा कोल्ड वॉर क्या था कोल्ड वॉर क्यों हुआ था किसके बीच हुआ था हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से लेकिन उसको समझने से पहले हम थोड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी डाइव इन करते हैं सो लेट्स डू इट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट बिटवीन 1914 एंड 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 और 1918 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939 और 1945 के बीच में कोल्ड वॉर को समझने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जानना हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जानना जरूरी है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर बिटवीन द टू सुपर पावर्स विच वॉज यूएसए एंड यूएसएसआर जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ वैसे ही कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई दो सुपर पावर्स के बीच में जो कि कौन सी थी यूएसए और यूएसएसआर तो अब समझते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है एक्सिस पावर और अलाइड पावर के बीच में एक्सिस पावर में जर्मनी इटली जापान जैसी कंट्रीज आती हैं और अलाइड पावर में यूएसए यूएसएसआर ब्रिटेन और फ्रांस जैसी कंट्रीज आती हैं तो अलाइड पावर और एक्सिस पावर की ये सारी कंट्रीज आपस में लड़ रही होती हैं झगड़ रही होती है और वॉर कर रही होती है इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि अलाइड पावर एक्सिस पावर को डिफीट करती है और जीत जाती है और एक्सिस पावर्स को हरा देती है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब खत्म होता है या तब एंड होता है जब अलाइड पावर की एक कंट्री यूएसए एक्सिस पावर की एक कंट्री जापान की दो सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स थ्रो करता है इन अगस्त 1945 एंड एज अ रिजल्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है एक्सिस पावर्स हार जाती हैं और अलाइड पावर्स जीत जाती है और अब समझते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद क्या कंडीशन आती है के खत्म होते ही पूरा वर्ल्ड डिवास्टेट हो जाता है अलाइड पावर्स जब एक्सिस पावर्स को डिफीट करती है तो एक्सिस पावर की कंट्रीज जो हैं विच वॉज जर्मनी इटली एंड जापान उनकी कंडीशन बहुत ही बेकार हो जाती है इकोनॉमिकली भी वे बहुत वीक हो जाते हैं पॉलिटिकली भी बहुत वीक हो जाते हैं एंड ओवरऑल उन कंट्रीज का बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रक्शन हो जाता है देयर वॉज अ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स एंड सिविलियन प्रॉपर्टी वर्ल्ड वाइड अब आप ये सोच रहे होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो चुका है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने से कोल्ड वॉर की शुरुआत कैसे होती है तो उसका जवाब ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर की कंट्रीज डिफीट हो जाती हैं हार जाती हैं डिवास्टेट हो जाती हैं तो उनका रोल वहीं पर खत्म हो चुका है अब जो मेन लीड और मेन रोल में है वो है हमारी अलाइड पावर की कंट्रीज और अलाइड पावर की ये जो दो कंट्रीज हैं ब्रिटेन और फ्रांस इनके कंडीशन भी पूरी तरह से बेकार हो चुकी होती है अब ये सोच रहे होंगे कि यार इनकी कंडीशन क्यों बेकार हुई इन्होंने तो एक्सिस पावर्स को हराया है तो इनकी कंडीशन तो अच्छी होनी चाहिए लेकिन इनकी कंडीशन इसलिए बेकार हो जाती है क्योंकि 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाता है और ब्रिटेन और फ्रांस जैसी कंट्रीज ने इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज को कॉलोनीज बनाया होता है और अपना वहां पर हक जमाया होता है गुलाम बनाया होता है लेकिन जैसे ही 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है और इंडिया डीकोलोनाइज हो जाती है तो ब्रिटेन और फ्रांस की जो कंडीशन है वो भी काफ़ी बेकार हो जाती है वो भी इकोनॉमिकली पॉलिटिकली और हर तरह से वीक हो जाते हैं तो इसीलिए ऑल ओवर अब जो मेन लीड और मेन रोल में है वो हमारी बचती है दो सुपर पावर्स और दो कंट्रीज विच वॉज यूएसए एंड यूएसएसआर और यहीं से शुरुआत होती है हमारे कोल्ड वॉर की अब हमारे यूएसए और यूएसएसआर दो सुपर पावर्स और दो कंट्रीज आती हैं मेन लीड में और मेन रोल में और इनके बीच होता है कोल्ड वॉर इनके बीच में क्यों वॉर है ये क्यों लड़ रहे हैं क्या कारण है इनके बीच का जो वॉर है इसके कई कारण हैं
मिलिट्री रेस, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जो मेन इनके बीच में प्रॉब्लम है या जो मेन इनके बीच में जो लड़ाई का रीज़न है या वॉर का रीज़न है वो है हमारा आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कि जो USA है उसकी जो आइडियोलॉजी थी, उसकी जो धारणा थी या उसकी जो मेन थ्योरी थी वो थी कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी। लेकिन जो USSR की आइडियोलॉजी थी, USSR की जो धारणा थी वो थी कम्युनिज्म एंड डिक्टेटरशिप। USA एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम में बिलीव रखता था जो प्राइवेट ओनरशिप के आइडिया पे बेस्ड हो, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल ना हो, कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना हो, जहाँ पे ट्रेड और इंडस्ट्री की जो इकोनॉमी हो वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंट्रोल कर सके और अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर सके, सबको एक हक हो अपना काम करने का, अपने टर्म्स पे जो करना चाहे, जैसे ओन करना चाहे वैसे करने का। लेकिन USSR जो है वो वही दूसरी आइडियोलॉजी फॉलो करता था और उसका मानना यह था कि एक ऐसा सोशल सिस्टम हो जो स्टेट ओनरशिप के आइडिया पे बेस्ड हो, जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो, गवर्नमेंट कंट्रोल हो, जहाँ पे गवर्नमेंट सब कुछ ओन करे और सोशल वेलफेयर और बेनिफिट के लिए काम हो। तो USA और USSR के बीच में जो भी कोल्ड वॉर था उसका मेन रीजन यही आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे कई रीजंस थे जिसकी वजह से USA और USSR आपस में कोल्ड वॉर कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री रेस, USA और USSR के बीच में एक बहुत ही तगड़ा मिलिट्री कंपटीशन था। जब USA ने जापान की दो सिटीज हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम बॉम्ब थ्रो करे, ये देखकर USSR भी एक तरह से फटाफट से मूव कर जाती है अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए और बिल्ड करने के लिए। दोनों के बीच में इतना तगड़ा मिलिट्री कंपटीशन होता है, दोनों ही अपने न्यूक्लियर वेपन्स, अपनी आर्मी, अपने मिलिट्री एमिनेशन सब कुछ बढ़ाना चाहते हैं। दोनों सुपर पावर्स अपने आप को इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज टॉप पे रखना चाहती थी, इसीलिए इन दोनों के बीच में काफी ह्यूज कॉम्पिटिशन और कॉन्फ्लिक्ट और कोल्ड वॉर था इस चीज को लेकर भी। तो अब हम समझ चुके हैं कि कोल्ड वॉर क्या था और कोल्ड वॉर क्यों हुआ था और किसके बीच हुआ था। अब हम समझते हैं कि इस वॉर को कोल्ड वॉर क्यों बोला गया था, क्यों USA और USSR के बीच की जो लड़ाई थी या वॉर था उसको कोल्ड वॉर बोला गया, ना कि हॉट और शूटिंग वॉर बोला गया। तो इन दोनों सुपर पावर्स की जो राइवलरी थी या कॉन्फ्लिक्ट था इसको कोल्ड वॉर इसलिए बोला गया था क्योंकि इन दोनों कंट्रीज ने कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ फेस टू फेस लड़ाई नहीं करी। कभी भी इन दोनों कंट्रीज ने आपस में एक दूसरे के लिए न्यूक्लियर वेपन्स, एटम बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया। कभी भी ये डायरेक्टली फेस टू फेस एक दूसरे के साथ वॉर में नहीं इन्वॉल्व हुए और इसीलिए दोनों के बीच की राइवलरी और कॉन्फ्लिक्ट को कोल्ड वॉर बोला गया है, ना कि कोई हॉट और शूटिंग वॉर। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब इन दो सुपर पावर्स और इन दोनों कंट्रीज के बीच में इतनी राइवलरीज थी, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, मिलिट्री रेस थी, तो क्यों इन्होंने लड़ाई झगड़े नहीं किए, क्यों इन्होंने न्यूक्लियर वॉर नहीं किया। तो उसका रीजन ये था क्योंकि ये दोनों कंट्रीज जानती थी कि ये दोनों सुपर पावर्स है, इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, मिलिट्री कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा मैसिव है कि अगर ये आपस में एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर वॉर में इन्वॉल्व होगी तो इतना डेथ, डिस्ट्रक्शन और डिवेस्टेशन हो सकता है कि किसी भी कंट्री के लिए इम्पॉसिबल हो जाए उसको बियर करना। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि कोई भी हॉट या शूटिंग वॉर में या न्यूक्लियर वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। और इसी चीज को क्या बोला गया, लॉजिक ऑफ डेटरेंस, जहां पे इन दोनों सुपर पावर्स ने सिर्फ एक दूसरे के साथ इनडायरेक्ट कोल्ड वॉर किया है और कोई भी हॉट एंड शूटिंग न्यूक्लियर वॉर नहीं किया। तो ये था हमारा कोल्ड वॉर एरा। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो और अगर पसंद आया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो एंड फॉर एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।